पीएम ने किया योगाभ्यास। दुनिया भर में आज पांचवा योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज रांची में है। पीएम मोदी ने योगाभ्यास से पहले रांची में लोगों को संबोधित करने हेतु कहा कि अब मुझे आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ ले जानी है, गरीब और आदिवासी के घर तक ले जानी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे योग गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीबी है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाते हैं। आज देश दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग योग दिवस मना रहे हैं। दुनिया भर में योग को प्रसार के लिए मीडिया के साथ सोशल मीडिया के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड में योग दिवस के लिए आना बहुत सुखद अनुभव है। पीएम मोदी ने कहा कि योग अनुशासन है, संपन्न है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय और संप्रदाय, मत, मत पद, अमेरिक, अरेबी, फ्रांस, सरहद के मत से परे है। योग सबका है और सब योग के है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने